अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप हरनिया जो है घर में कैसे उगा सकते हैं, वो भी बिल्कुल सही तरीके से। तो उसके लिए पहले तो हमें चाहिए होगी जगह जहाँ पे हम उगाएं। आप अगर गमले में उगाना चाहते हैं तो आप गमले में भी उगा सकते हैं। मैं जो ज़रा ज़्यादा उगाऊँगा तो मैं सिर्फ बेसन में उगा रहा हूँ, खाली पड़ा था सब पे। तो इसके लिए पहले तो हमें चाहिए होगी अच्छी खासी मिट्टी। मेरे पास ये पूरी बाल्टी भरी हुई एक मिट्टी तो मैं ली, पूरी तो काम की नहीं आएगी लेकिन मैंने फिर भी ज़्यादा ले ली ताकि अगर ज़रूरत पड़ती रहे तो मैं इसमें निकालता रहूँ। और हमें चाहिए होगा एक गमले का टुकड़ा जो हम सुराख में लगाएंगे ताकि जो है पानी जो है निकले लेकिन मिट्टी ना निकले, वरना अगर मिट्टी निकल गई तो फिर उगेगा क्या। और ये हमने जो है हरनिया के बीच ले लिया, अभी से पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये मैंने यहाँ पे गमले के पीछे से लगा दी, लेकिन याद रहे कि आपको पूरा बंद नहीं करना, आपने थोड़ी थोड़ी जगह से खोले थे। मैंने भी इसको जो है थोड़ी थोड़ी जगह से खोला हुआ है, दिख नहीं रहा मेरे ख्याल से, लेकिन मैंने खोला हुआ है। तो उससे हम बैठने पहले मिट्टी, तो इसमें जो है मैं मिट्टी भर चुकी, अब बारी है हरनिया के बीज डालने की। तो अब बारी है हरनिया के बीज डालने की। तो हम इसको ऐसे ही नहीं डालेंगे बल्कि हम पहले थोड़ा सा अपने हाथ में लेंगे और इसको हल्का सा यूं दबा दबा के डालेंगे। ज़्यादा याद रहे, ज़्यादा जोर ना लगे वरना ये पूरे टूट जाएंगे, हमें पूरे नहीं तोड़ने। मुझे तो ज़्यादा उगाने हरनिया इसलिए मैं जो हूँ ज़्यादा डाल रहा हूँ क्योंकि हर बीच में से जो है नहीं पौधा नहीं निकलता, इस वजह से मैं ज़्यादा और डाल रहा हूँ। तो अब इस पर मैं जो ऊपर हल्के हल्के से मिट्टी डाल देता हूँ ताकि ये पूरे जो बीज हैं ढक जाए। तो मैंने जो है मिट्टी भी ऊपर डाल दी और मैं जो हूँ उसको हल्के हल्के से दबा दूंगा, पूरा मिट्टी को हल्का हल्का हल्के हाथ से दबाऊंगा ताकि नीचे हो जाए, ताकि जब मैं पानी दूँ तो थोड़ी पानी के अंदर भी जाएगी, पानी बाहर गिर जाएगा। वैसे ज़रूरी नहीं होता कि हम जो है मिट्टी को दबाएं, मिट्टी को हम ऐसे भी रहने दे सकते हैं। तो अब जो है इसमें पानी डाल देते हैं, पानी हल्का हल्के से डालना है। जब भी मैंने कैन पे कैन का जो मुँह आता साइड में उससे लेकर डाल लूँ पानी, वरना अगर आप तेज़ डालेंगे तो गड्ढा हो सकता है उसमें, फिर ये सही से उगेंगे नहीं। तो पानी जो है वो मैंने डाल चुका है और इतना पानी शुरू में इतना देना है आपने कि वो थोड़ा सा नीचे से निकल के बहना शुरू हो जाए ताकि नीचे की पूरी मिट्टी जो है गीली हो जाए। बाकी जब हम मुझे इसको कहीं और उठा के रखना पड़ेगा, मैंने सिर्फ वीडियो बनाने के लिए जो है आपको दिखाने के लिए इधर रखा था ये बेसन वाली साइड के, वरना अगर यहीं रखा रहा तो हमारी बत्तख आगे घुस जाएंगी और वो पानी पीती हैं, इसमें तो गड्ढा कर देंगी पूरा पे। अगर हम जैसे मुर्गा मुर्गी भी खोलते हैं जोड़ा तो वो खोद देगा पूरा, खोद देंगे अंदर। बाकी हमारी बत्तख है गोरी और बाकी हमने एक जो है अपना जोड़ा मुर्गा मुर्गी का खोला है। और हमने यहाँ से गमले उठा के थोड़े से सफाई दी ताकि यहाँ की सफाई करके मिट्टी उठाएं, क्योंकि ये गमले की मिट्टी है जो मुर्गा मुर्गी खोद देते हैं। अभी भी देखें इस गमले में घुसे हुए थे, सारी मिट्टी गिरा दी। तो इसको भी हम समेटेंगे शाम तक, फिर उठा के हम गमलों में भरेंगे। तो बस दोस्तों हमारी आज की वीडियो ही थी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब से कलिए अल्लाह हाफिज़।